गुड इवनिंग स्टूडेंट, ESC C2 चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पिछले वीडियो में पढ़े थे 1 डायमेंशनल का, पढ़े थे 2 डायमेंशनल। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में ध्यान रखिए, इसके क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर को बनाना बहुत कठिन है, इसलिए हम इसके डायग्राम को बनाए नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको समझ लीजिए, है ना, लैंग्वेज ही इसका समझ लीजिए। ठीक है, तो बोला है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग ऑफ ए कंसीव्ड पार्टिकल्स। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में जो कंसीव्ड पार्टिकल्स होता है, दो फॉर्म में होता है, एक AB अरेंजमेंट गिव्स हेक्सागोन। इसके क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर को आप लोग पिछले वीडियो में बताया है, देख लीजिएगा। ठीक है, और इसको हम SCP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SCP बोलते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किसे कहते हैं? जिसमें एक स्फीयर जो होता है 6 गोले से सराउंडिंग किया जाता है, टच किया जाता है, घेरा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? SCP बोलते हैं। और इसका जो पैटर्न बताए होंगे, इसका पैटर्न SCP का जो पैटर्न होता है वो AB होता है। ठीक है, देखिए यही में 3 डायमेंशन में आता है, इसके डायग्राम को बना सकते हैं, लेकिन इतना कुछ है कि आपको समझ में नहीं आ पाएगा डायग्राम को। ठीक है, इसको अगर जब क्लास स्टार्ट होगा तो उसमें आप लोगों को डायग्राम को दिखा सकते हैं। ओके, ABC अरेंज गिव्स क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड। यानी कहने का मतलब होता है कि इसका जो अरेंजमेंट होता है, पैटर्न होता है ABC, मतलब 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में दो प्रकार का कंसीव्ड पार्टिकल्स पाया जाएगा, जिसमें कंसीव्ड पार्टिकल का जो अरेंजमेंट एक AB होगा, एक ABC होगा, जिसको हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग और FCC फेस सेंटर बोलते हैं। इसका नाम CCP होता है, SCP है। ठीक है, एक बार ध्यान देना होगा, HCP का पैटर्न क्या होता है? AB होता है। CCP का पैटर्न क्या होता है? ABC होता है। और CCP जो होता है, FCC के ही अनुसार होता है। ठीक है, FCC के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करके चलते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर इन SCP एंड CCP अरेंजमेंट स्टेल। याद रखिएगा, आता है क्वेश्चन कि SCP और CCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना का क्रिएट होता है। ठीक है, विल इन द BCC अरेंजमेंट इट इज 8। BCC का कितना होता है? 8 होता है। और SCC का बताया मुझे होता है, पिछले वीडियो में आप लोग बताया, देख लीजिएगा, है ना। तो ये सबका लिखाएंगे, SCP का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, और SCP के जैसा CCP का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। और BCC का बताया आप लोग कितना होता है, तो BCC का आप लोग 8 बताया, कितना बताया हमने? 8। ठीक है, और SCC का कितना का 6 होता है। और याद रखिएगा कि FCC का भी आप लोग को बताया होंगे। ठीक है, अब देखिएगा, क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स इन क्यूबिक स्ट्रक्चर FCC, BCC, SCC। याद रखिएगा कि क्लोज पैकिंग में जो एटम्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या है, FCC ज्यादा होता है, BCC कम होता है, SCC सबसे कम होता है। आप लोग बताए थे कि FCC में टोटल नंबर ऑफ एटम 4 होता है, तो इसको इफेक्टिव नंबर बोलते हैं। BCC में 2 होता है, और SCC में कितना का 1 होता है। ठीक है, ऑल नोबल गैसेस FCC के स्ट्रक्चर एक्सेप्ट हीलियम SCP। और बोला गया कि जितना ऑल नोबल गैसेस होता है ना, नोबल गैसेस में जैसे सिल्वर हो गया, यहाँ लिख रहे हैं, नोबेल गैसेस में हम बोलेंगे सिल्वर बोलेंगे, कॉपर बोलेंगे, गोल्ड बोलेंगे, ये सब जो होता है ना वो क्या होता है, CCP स्ट्रक्चर को क्या करता है, शो करता है। और हीलियम जो हीलियम को हीलियम, ठीक है, नोबेल गैसेस में वर्ग 18 का जो होता है, ग्रुप 18 का जो होता है वो नोबेल गैसेस होता है। इसके अतिरिक्त जो होता है AG, CU और क्या AU, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नोबेल गैसे जो होता है ग्रुप 18 का होता है, ग्रुप 18 में जो नोबेल गैसेस होता है वो जो होता है CCP को दर्शाता है, और उसके अदर में AG, CU अरेंज होता है। ठीक है, हीलियम को छोड़कर हीलियम जो होता है SCP होता है। ठीक है, और SCP में भी ध्यान रखिएगा कि मैंगनीज़ का होता है, जिंक का होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में दो प्रकार का पैटर्न पाया जाता है, एक AB और एक ABC आता है क्वेश्चन कि 3 क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में जो कंसीव्ड पार्टिकल का जो पैटर्न होता है, एलिमेंट होता है, वो AB जिसको FCP बोलते हैं, और ABC जिसको हम CCP या FCC बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, SCP का कोऑर्डिनेशन नंबर है, CCP के कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, BCC का कितना होता है, 8 होता है, और SCC का 6 होता है। ठीक है, और नोबेल याद देखिए, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर जो हम देखते हैं एटम का, उसमें FCC, BCC और SCC अरेंजमेंट आपको दे सकता है एग्जाम में। ऑल नोबेल गैसेस हैव CCP स्ट्रक्चर, उसके अतिरिक्त ग्रुप 18 का, ग्रुप 18 को नोबेल गैसेस बोलते हैं, नोबेल गैसेस किसको बोलते हैं हम लोग, ग्रुप 18 को बोलते हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो होता है ये आप लोग का नोबेल गैसेस नहीं, याद रखिए, इसके अतिरिक्त है और एक सब में है। ठीक है, अब देखिएगा,
अब हम लोग पढ़ेंगे वॉइड। वॉइड मतलब होता है खाली स्थान, रिक्ति। वॉइड मींस होता है रिक्ति, ठीक है। पर वैकेंट स्पेस प्रेजेंट बिटवीन अ स्फीयर ऑफ ए यूनिट सेल इज कॉल्ड का बोलते हैं वॉइड होल्स स्पेस। आज बोला गया कि जो हम लोग का यूनिट सेल होता है और यूनिट सेल जो हम लोग का बनता है उसमें जो कॉर्नर पर जो हम लोग का कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स जो होता है यूनिट सेल में वो क्या होता है, वो जितना उसके बीच में हम लोग का स्पेस दिखाई देता है, हर जितना खाली स्थान होल दिखाई देता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वॉइड के नाम से हम लोग क्या करके जानते हैं। जैसे मान लिया जाए बाबू, ध्यान दीजिएगा, एक डायग्राम के अनुसार ऐसे मान्यता में अरेंजमेंट बना है, कोई भी ध्यान के गए जब इसको ऐसे टच किए हैं ध्यान के बाबू, इसमें एक प्रकार का हम लोग का वैकेंट शो हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं वॉइड, तो ही बोला कि वैकेंट स्पेस प्रेजेंट बिटवीन अ स्फीयर ऑफ ए यूनिट सेल इज कॉल्ड क्या बोलते हैं वॉइड बोलते हैं, ठीक है। व्हेन पार्टिकल आर क्लोज पैकिंग रिजल्टिंग आइदर सीसी और का एसीपी होता है। याद रखिएगा कि जब यूनिट सेल में देखा गया कि उसमें जो यूनिट सेल में देखा गया कि जो स्फीयर होता है, जब दो स्फीयर जो यूनिट सेल में जो कंबाइन करता है तो उसके बीच में हम लोग एक स्पेस दिखाई देता है, उसी स्पेस को हम लोग वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं वॉइड। और एक वॉइड जो होता है दो टाइप का होता है, एक सीसीपी में होता है, एक एसीपी में होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि जो हम लोग का वॉइड जो होता है किस प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो सीसीपी होता है एसीपी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइड, इसलिए वॉइड को दो भागों में बांट दिया गया, ठीक है। पहला है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर सराउंडेड बाय फोर स्फीयर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन। और बोला गया है कि जिसमें जो होता है जिस टेट्राहेड्रल वॉइड ऐसा वॉइड होता है जिसमें कॉर्नर पर जो होता है चार स्फीयर सराउंडिंग किया हुआ रहता है, घिरा हुआ रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। और टेट्राहेड्रल वॉइड का जो कॉर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना है, फोर होता है। देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड का जो है तीन स्फीयर है ना बाबू, तीन स्फीयर को टच किया गया और एक ब्लू जो कलर का जो स्फीयर है उसके ऊपर टच किया गया, तो जो हम लोग का यह स्पेस बन रहा है खाली उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के नाम से क्या करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड के नाम से हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। और याद रखिएगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड का जो रेडियस, टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है उसका रेडियस कितना होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड का में एक स्फीयर का रेडियस कितना होता है, तो 0.225 ओके। और टेट्राहेड्रल वॉइड को ऐसे भी शो किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें इसमें फिर से एक बार याद रखिएगा कि थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो होता है उसके जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स जो होता है दो अरेंजमेंट में होता है, एक ए बी ए बी होता है जिसको एस सी पी बोलते हैं और एक ए बी सी होता है जिसको सी सी पी एफ सी सी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो पॉइंट लिखा है तीन पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर इन एस सी पी एंड सी सी पी अरेंजमेंट इज 12, थ्री इन द बी सी सी अरेंजमेंट इट इज 8, ठीक है। क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स इन क्यूबिकल स्ट्रक्चर ऐसे चल जाएगा, ठीक है। ऑल नोबल गैसेस ग्रुप 18 को बोलते हैं, ग्रुप 18 को हम क्या बोलते हैं नोबल गैसेस बोलते हैं। और इसके अदर में जो होता है एजी सी ए भी होता है सी सी पी स्ट्रक्चर, एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़कर हीलियम जो होता है एस सी पी को शो करता है और एस सी पी में जो वो मैंगनीज और जिंक करता है, ठीक है। वॉइड किसे कहते हैं, तो वैकेंट स्पेस प्रेजेंट बिटवीन अ स्फीयर ऑफ ए यूनिट सेल। अगर बोला गया है कि अगर यूनिट सेल के स्फीयरों के बीच में जो हम लोग का स्पेस दिखाई देता है, जो खाली स्थान दिखाई देता है, उन खाली स्थानों को हम लोग क्या बोलते हैं वॉइड के नाम से क्या करके जानते हैं। एक बार फिर क्लियर करिए कि वैकेंट स्पेस प्रेजेंट बिटवीन अ स्फीयर ऑफ ए यूनिट सेल, जो यूनिट सेल में जो स्फीयर होता है उसके बीच में जो हम लोग का स्पेस दिखाई देता है उसी स्पेस को हम लोग वॉइड के नाम से क्या करके जानते हैं। और एक वॉइड जो होता है सीसीपी और एसीपी में पाया जाता है, इसलिए वॉइड दो टाइप का होता है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड आर सराउंडेड बाय फोर स्फीयर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन। और इसमें क्या होता है कि जो स्फीयर होता है ना चार स्फीयर से सराउंडिंग कर रहा है, ठीक है। और इसका डायग्राम में है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। और याद रखिएगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड का जो रेडियस होता है स्फीयर का वो 0.225 से होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड के वन स्फीयर का जो रेडियस होता है वो 0.225। एक एक स्फीयर का अगर आर स्फीयर का मतलब कि एक स्फीयर रखेंगे तो कितना होगा, वन हो जाएगा, दो के लिए गुना कर दे, तीन के लिए गुना कर दे। लेकिन एग्जाम में पूछता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड में जो एक स्फीयर का रेडियस कितना होता है, तो 0.225 होता है, ओके। अब हम पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कौन वॉइड पढ़ेंगे बाबू,
ऑक्ट्राहेड्रल व्हाइट, ऑक्ट्राहेड्रल व्हाइट लिखना है, ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल व्हाइट। तो अब हम पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल व्हाइट, तो ऑक्टाहेड्रल व्हाइट्स आर होल्स सराउंडेड बाय स्टिक्स अ स्फीयर लोकेटेड ऑन ए रेगुलर टेट्राहेड्रो। हाँ, बोला गया है जो ऑक्टाहेड्रल जो व्हाइट होता है वो वैसा व्हाइट होता है जिसमें क्या होता है सिक्स स्फीयर जो होते हैं सराउंडेड किया हुआ रहता है। ओके, लोकेटेड ऑन ए रेगुलर टेट्राहेड्रो यानी कहने का मतलब होता है कि इसमें टेट्राहेड्रल का रेगुलर मतलब रिपीट होते रहता है, बार बार होते रहता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल व्हाइट इज 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 6 होता है। थोड़ा सा गौर करिएगा, वो इस डायग्राम को देखिएगा, जो ब्लू कलर का तीन व्हाइट है और एक ब्लैक कलर तीन स्फीयर है और एक क्या है ब्लैक कलर का जो तीन स्फीयर है, तीनों स्फीयर को सटाने पर जो हम लोग का होल बन रहा है उसी होल को हम लोग ऑक्टाहेड्रल व्हाइट के नाम से क्या करते जानते हैं। और रियल में जब डायग्राम अगर खोलेंगे इस सब के रेडियस खोलेंगे तो उनका डायग्राम ऐसे बनेगा। ठीक है, तो बस आपको ध्यान देना है कि ऑक्टाहेड्रल व्हाइट में जो 6 स्फीयर होता है सराउंडेड हुआ रहता है और टेट्राहेड्रल में 4 स्फीयर होता है, तो टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4 होता है, ऑक्टाहेड्रल का 6 होता है। ठीक है, इसमें जो व्हाइट होता है ना, जो व्हाइट होता है वो 0.414 × 4 स्फीयर यानी कहने का मतलब होता है कि इसमें एक स्फीयर पर जो व्हाइट पाया जाएगा इतना पाया जाएगा, अगर वहाँ का स्फीयर एक रेटिंग पे एक रेट इतना होगा, दो स्फीयर का 2 गुना कर देंगे, 3 स्फीयर का 3 गुना कर देंगे। और याद रखना होगा तो ऑक्टाहेड्रल व्हाइट के एक स्फीयर का में जो व्हाइट होता है वो 0.414 और उसमें टेट्राहेड्रल 2 × ऑक्टाहेड्रल व्हाइट ओके। और याद रखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एससीपी में टोटल नंबर ऑफ व्हाइट कितना होता है, एससीपी में टोटल नंबर ऑफ व्हाइट एससीपी में व्हाइट कितने होते हैं 12 होते हैं, इसमें व्हाइट कितने होते हैं 18 होते हैं, 12 होता है इसमें 18 होता है। अब इसका दो पार्ट हो गया, एक टेट्राहेड्रल व्हाइट एक ऑक्टाहेड्रल व्हाइट, तो टेट्राहेड्रल व्हाइट 8 होगा क्योंकि टेट्राहेड्रल व्हाइट 8 होगा और ऑक्टाहेड्रल इसका 8 × 4 हो जाएगा ना, इसमें 18 होता है 12 × 6 याद रखना। ठीक है ना, तो क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ से दो नंबर का क्वेश्चन पूछना है। पहले ये पूछेगा कि व्हाइट जो होता है किस प्रकार के पैटर्न में पाया जाता है, ए बी ए बी या ए बी सी, ए बी ए बी को ए सी पी बोलते हैं और ए बी सी ए बी सी को ए सी पी बोलते हैं। तो जो व्हाइट होता है ए सी पी और सी सी पी पाया जाता है, व्हाइट कितने होते हैं 2 होते हैं, एक टेट्राहेड्रल व्हाइट एक ऑक्टाहेड्रल व्हाइट, टेट्राहेड्रल व्हाइट किसे कहते हैं, तो टेट्राहेड्रल व्हाइट में जो नंबर ऑफ स्फीयर 4 होता है सराउंडेड होता है, ऑक्टाहेड्रल में 6 होता है, टेट्राहेड्रल व्हाइट का रेडियस होता है पर स्फीयर का 0.25 और ऑक्टाहेड्रल में 0.414। क्लियर है, टेट्राहेड्रल व्हाइट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है ऑक्टाहेड्रल का 6 होता है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि एसीपी में टोटल नंबर ऑफ व्हाइट कितना होता है 12 होता है, लेकिन उसमें ऑक्टाहेड्रल कितना होगा 4 होगा, टेट्राहेड्रल 8 होगा, सीसीपी में टोटल नंबर ऑफ व्हाइट कितना होगा 18 होगा, टेट्राहेड्रल व्हाइट 4 होगा और 18 होगा, टेट्राहेड्रल व्हाइट जो होगा 12 होगा और ऑक्टाहेड्रल व्हाइट 6 होगा। ये हम लोग का व्हाइट पढ़े, क्या पढ़े, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस, अब इसका डिफरेंस पढ़ लिया गया है ना, पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल व्हाइट एंड ऑक्टाहेड्रल व्हाइट।
इसका डिफरेंस डाल रहे हैं अपन, या लिखेंगे टेट्राहेड्रल, अरे होता ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है, टेट्राहेड्रल वाइड हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑक्टाहेड्रल वाइड हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे। ओके, तो ये ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वाइड में क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो इसका डिफरेंस बताया गया है कि यहाँ टेट्राहेड्रल वाइड आएगा ऑक्टाहेड्रल वाइड, तो टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड में डिफरेंस यही है कि टेट्राहेड्रल वाइड इज ए सिंपल ट्रायंगुलर वाइड इन क्रिस्टल एंड इज सराउंडेड बाय फोर स्क्वायर, एंड टेट्राहेड्रल वाइड में जो हम लोग का सिंपल ट्रायंगुलर वाइड यूज होता है इन ए क्रिस्टल इज सराउंडेड बाय फोर स्क्वायर, जिसमें एक सिंपल ट्रायंगल होता है वो जो चार इसमें स्क्वायर जो होता है चार होते हैं, ठीक है, सराउंडेड होता है। ऑक्टाहेड्रल वाइड इज ए डबल ट्रायंगुलर वाइड, इसमें डबल ट्रायंगुलर होता है, एक अपवर्ड होता है एक डाउनवर्ड होता है, जो डायग्राम बनाए देख लीजिएगा, एक ट्रायंगल ऊपर की ओर होता है ऐसे होता है, ध्यान रखिएगा ऑक्टाहेड्रल ऐसे ट्रायंगल होता है, एक ट्रायंगल ऐसे हो जाएगा, देखिए जैसे आप लोग ये जो फिगर बनाए होंगे तो एक ट्रायंगल हमारा यहाँ से गया होगा, ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल हम ऐसे बनाए होंगे और एक ट्रायंगल डाउनवर्ड बनाए होंगे ऐसे बनाए होंगे, ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड में क्या होता है कि इसमें दो ट्रायंगल होता है, डबल ट्रायंगल होता है, और टेट्राहेड्रल वाइड में सिर्फ हम का एक ही ट्रायंगल होता है, ऐसे ट्रायंगल आया होगा, ठीक है, तो यही बोला गया है कि टेट्राहेड्रल वाइड में सिंपल ट्रायंगल का यूज होता है और ऑक्टाहेड्रल वाइड में क्या होता है डबल ट्रायंगल का यूज होता है, एक अपवर्ड होता है एक डाउनवर्ड होता है, ऊपर वाले अपवर्ड है और नीचे वाले डाउनवर्ड है, क्लियर है, समझ गए होंगे, अच्छा, एंड सराउंडेड बाय सिक्स स्क्वायर, जो ये जो होता है सिक्स स्क्वायर से क्या होता है सराउंडेड किया होगा, देखिएगा एक स्क्वायर दो स्क्वायर तीन स्क्वायर चार स्क्वायर पांच स्क्वायर और कितना का छह स्क्वायर होता है, और इन्हीं को मिलाया गया ऐसे मिला देंगे, जब ऐसे इन्हीं को जब ऐसे मिला देंगे तो हम लोग ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा, कन्फर्म हो गया, बनाने जाएंगे, चलिए अच्छा, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इज फोर, टेट्राहेड्रल वाइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर फोर होता है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इज सिक्स, इसका सिक्स होता है, देयर आर टू टेट्राहेड्रल वाइड पर स्फीयर इन द क्रिस्टल रेडियस, याद रखिएगा कि इसमें जो टेट्राहेड्रल जो वाइड होता है एक स्फीयर पर दो को पाया जाता है, और ऑक्टाहेड्रल वाइड जो होता है एक स्फीयर पर एक ही पाया जाता है, इसीलिए लिखा गया है कि देयर आर टू टेट्राहेड्रल वाइड पर स्फीयर इन द क्रिस्टल लैटिस, इसी क्रिस्टल लैटिस के एक स्फीयर पर दो को टेट्राहेड्रल वाइड पाया जाता है, और इसमें बोला गया है कि देयर आर वन ऑक्टाहेड्रल वाइड पर स्फीयर इन द क्रिस्टल लैटिस, मतलब इसके क्रिस्टल लैटिस के एक स्फीयर में एक ही वाइड पाया जाता है, ठीक है, द रेडियस ऑफ स्क्वायर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इज 0.225 या 22.5% इन पर स्क्वायर, एंड टेट्राहेड्रल वाइड का जो हर एक स्फीयर का जो रेडियस होता है वो कितना होता है 0.225 होता है, और ऑक्टाहेड्रल में 0.414 होता है इन पर स्क्वायर का, ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखे कि थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग देखे, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो होता है दो प्रकार के वाइड शो करता है, एक एबीएबी में और एक एबीसीएबीसी में, एबीएबी में और एबीसी, उसको एसीबी और सीसीबी बोलते हैं, ठीक है, वाइड दो टाइप का होता है, एक टेट्राहेड्रल वाइड एक ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक है, टेट्राहेड्रल वाइड में क्या होता है कि सिंपल ट्रायंगल होता है, इसमें डबल ट्रायंगल होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, इसमें जो होता है पर स्फीयर पर दो वाइड होता है टेट्राहेड्रल, इसमें पर स्फीयर पर एक होता है, ठीक है, और रेडियस 0.225 और रेडियस 0.414, एक था हम लोग का इस वीडियो में वाइड, ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग कुछ पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग के लिए इतना ही, लेकिन एक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाया जा रहा है जो आप लोग के लिए, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद जय भारत।